जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने जो है एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर पूरे अंत तक इस वीडियो को वॉच करिएगा, पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो कुछ नया जरूर सीख कर जाइएगा। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वह आपके पास पहुंचेगी और सबसे पहले जो है आप मेरा वीडियो देख पाइएगा। तो यहाँ जो है थंबनेल देखकर जो है आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो जो बच्चे का डीएलएड एग्जाम में 40 मार्क्स आया है, 50 मार्क्स आया है या 60 मार्क्स आया है, तो वो बच्चा जो है डीएलएड में एडमिशन के लिए जो है सपना देख रहा है, तो क्या उनका सपना साकार होने वाला है? क्या अब उनका कुछ होने वाला है? तो मैं आपको पूरे वीडियो में जो है बता देना चाहता हूं कि 50 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर और 60 नंबर बच्चे का एडमिशन इस साल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आज जो है आप लोग का अंतिम दिन है काउंसलिंग अप्लाई करने का, जो है फॉर्म फिलअप करने का अंतिम दिन है। और आज अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जाकर कर देंगे, शाम 5 बजे तक जो है पोर्टल खुला रहेगा, वहां से जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने घर से कर सकते हैं या कोई साइबर कैफे में जाकर जो है आप आवेदन दे सकते हैं। तो पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच करिएगा, मैं आपको पूरे प्रक्रिया जो है बताने वाला हूं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग का जो है काउंसलिंग होता क्या है। तो काउंसलिंग वह होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ फी सरकार को देते हैं और देने के बाद जो है लगभग 30 कॉलेज का जो है हम चयन करते हैं और 30 कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में अगर हमारा नाम आता है तो जाकर हम एडमिशन लेते हैं। अगर फर्स्ट बार जो है अगर आपका काउंसलिंग कराए, फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट का इंतजार करेंगे, फिर सेकंड लिस्ट आएगा, फिर थर्ड लिस्ट आएगा, तीन लिस्ट आता है। अगर तीनों लिस्ट में जो है आपका अगर नाम नहीं आता है तो इस साल आपका जो है काउंसलिंग हुआ बट आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो काउंसलिंग वही होता है। तो ठीक है, काउंसलिंग में ज्यादा जो है ध्यान न देते हुए मैं एक आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा हूं। इस इन्फॉर्मेशन को जो है पहले देख लेंगे कि आज जो है आज अंतिम दिन है, आज का आज जो है आपका अंतिम दिन है, यानी कि 26/6/2024, ठीक है, ये अंतिम दिन है आपका काउंसलिंग कराने का। आप जो है इसे ऑनलाइन मोड में जो है आप इसे काउंसलिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों में देने वाला हूं कि फर्स्ट लिस्ट जो है लिस्ट कब जारी होगा, फर्स्ट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे हम। उसके बाद सेकेंड थर्ड में जानेंगे कि एडमिशन जो है हमारा कब होगा, एडमिशन जो है हमारा कब होगा, ठीक है, तो एडमिशन जो है आपका कब होगा। ये चारे तीन चीज जो है आप लोग को आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो पूरे अंत तक जो है बने रहिएगा। फर्स्ट में जो है सबसे पहले जो है हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि अंतिम दिन आज जो है आपका क्या है, अंतिम दिन है, ठीक है, अंतिम दिन है काउंसलिंग का। तो 5 बजे शाम तक जो है आप जाकर जो है आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लगभग 30 कॉलेज का जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तो हुआ, अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि किसी बच्चे का अगर 40 अंक आया है या 50 अंक आया है या 60 अंक आया है, तो ये तीन बच्चे का जो है अब की बार जो है एडमिशन नहीं होगा। सीधी बात, अब की बार एडमिशन नहीं होगा। अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन अगर धोखा से हो जाता है तो हो जाएगा, बट सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने वाला बिल्कुल ही नहीं है। तो आप अगर जनरल हैं, ठीक है, या आप ओबीसी हैं या आप ईबीसी हैं, ठीक है, तो आपका जो है एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में इतने नंबर पे जो है नहीं होगा। फाइनल हो गया, इतने नंबर पे जो है नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है आपकी निकलने वाला है फर्स्ट लिस्ट में 90+ से 95 नंबर के बीच। तो जिसका होगा तो फर्स्ट लिस्ट में जो है उनका काउंसलिंग होगा, नहीं तो सेकंड लिस्ट का जो है आप इंतजार करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा, अब की बार इनका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है, 40 अंक वाले, 50 अंक वाले और 60 अंक वाले का। तो यहां तो है हम लोग क्लियर हो गए। अब जो है आप लोग का सेकेंड पार्ट में जो हम ध्यान देंगे कि लिस्ट जो है आपका कब जारी किया जाएगा। तो फर्स्ट लिस्ट जो है कब जारी किया जाएगा, फर्स्ट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, तो फर्स्ट लिस्ट जो है आप लोगों का याद रखेंगे कि 2 जुलाई को,
2 जुलाई को जो है फर्स्ट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। कितने तारीख को जारी किया जाएगा, तो 2 जुलाई को जारी किया जाएगा। हो सकता है तो इनकेस अगर कोई काम वाम हो जाए सरकार विभाग के द्वारा, तो हो सकता है तो 2 से 5 जुलाई तक, यानी कि 2 से 5 जुलाई तक जो है आपका जो है फर्स्ट लिस्ट आने की बिल्कुल ही संभावना है। तो जो 80, 90, 100 के बीच में नंबर लाए हैं उन्हीं का जो है फर्स्ट लिस्ट में जो है काउंसलिंग होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है फर्स्ट लिस्ट में। इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि लिमिट सीट है, कम से कम जो है एक जिला में 200 और 100 मिला लीजिए 300 मात्र सीट है गवर्नमेंट कॉलेज। जिस आप जिले से हैं, पटना से हैं, सिवान से हैं, भागलपुर से हैं, छपरा से हैं, मोतिहारी से हैं, कहीं से हैं, तो कम से कम वहां 300 सीट अवेलेबल है, बस मात्र 300, जिसमें से 50% तो महिलाओं के लिए रिजर्व है और 50% जो है पुरुष के लिए रिजर्व है। तो अब इसी में से जो है आप लोग का एडमिशन होगा। तो इस बार जो है आप लोग का एडमिशन में थोड़ा सा जो है बदलाव तो जरूर होने वाला है। तो इसलिए जो है अगर आपने अभी तक जो है ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराया है, फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, तो कर लीजिए, अंतिम दिन है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज का चयन करेंगे जो आपके समीप पास में होगा, उसी का जो है आप डालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों को तो पता है कि 40, 50 और 60 वाले का होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।